हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेद कुमार के घरेलू नुस्खे और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं ब्राउन शुगर और वाइट शुगर के बारे में। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्राउन शुगर और ये है वाइट शुगर। दोस्तों, भोजन को मीठा करने के लिए सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल बहुत व्यापक रूप से किया जाता है। दिलचस्प है कि रोजाना कुछ मात्रा में चीनी का सेवन करना भी बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीनी कई तरह की होती है और प्रसिद्ध चीनी में से एक है ब्राउन शुगर। सफेद चीनी और गुड़ का एक मिश्रण है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी और आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा ब्राउन शुगर सफेद चीनी की तुलना में कम रासायनिक होती है, इसलिए ब्राउन शुगर का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, ब्राउन शुगर की क्वालिटी और ब्राउन शुगर की जो खासियत है वो सफेद चीनी के मुकाबले बेहतर होती है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और आपको जानकारी देंगे इन दोनों चीनी में से कौन सी चीनी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, सफ़ेद चीनी एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें सल्फर जैसे हानिकारक तत्व होते हैं, जबकि ब्राउन शुगर गुड़ का एक मिश्रण है। तो सफ़ेद चीनी के बजाय ब्राउन शुगर का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ब्राउन शुगर में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे शरीर के लिए पोषक तत्व बहुत ज़्यादा फायदेमंद मिनरल्स इसमें होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। इसके अलावा त्वचा के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ब्राउन शुगर में मौजूद कई खनिज त्वचा के कोशिकाओं के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ब्राउन शुगर चेहरे पर झुर्रियां आने से भी रोकता है, तो ब्राउन शुगर का सेवन त्वचा के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ लोग इसे चेहरे पर निखार लाने के लिए स्क्रब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा फायदा, पीरियड के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है। ब्राउन शुगर में दोस्तों पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा होती है और पोटेशियम मांसपेशियों को आराम देने में काफ़ी मददगार है, जो दर्द से राहत दिलाने में सहायक होते हैं। इसलिए पीरियड के दौरान ब्राउन शुगर का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चौथा फायदा, एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है ब्राउन शुगर। दोस्तों, ब्राउन शुगर में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और इसीलिए आप एंटीसेप्टिक के रूप में ब्राउन शुगर का उपयोग कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन से बचाने में बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इसके अलावा जो पांचवा बड़ा फायदा है, सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ब्राउन शुगर सफ़ेद चीनी और गुड़ का मिश्रण है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। गुड़ ठंडी के लक्षणों से बचाता है। जो ठंडी का असर होता है उसे बेअसर करता है, गुड़ की ये तासीर होती है। तो दोस्तों, ठंड के दौरान सफ़ेद चीनी के बजाय आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल यदि करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ब्राउन शुगर इन्फेक्शन से भी बचाता है, इन्फेक्शन से लड़ने के गुण इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए हर तरीके से देखा जाए तो सफ़ेद चीनी के मुकाबले ब्राउन चीनी का इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, इसलिए आप आज से ही सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल करना कुछ कम कर दें और हो सके तो बिल्कुल बंद कर दें और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। ये हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें।
वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। America.